अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया वकास और क्यूने अकेडमी पाकिस्तान की मास्टर हेयर ट्रेनर और क्यूने पाकिस्तान के साथ मेरा 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है और ये 19 इयर्स एक्सपीरियंस डेफिनेटली एक लॉन्ग 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 जर्नी है, लेकिन इस जर्नी में से सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी एक्सपीरियंस और अपनी ट्रेनिंग्स के हवाले से आप लोगों को बताना चाहूँगी। मेरी क्यूने हॉलैंड से ट्रेनिंग हुई, मेरी स्पेन से हुई, इटली से हुई, पेरिस से हुई, जहाँ पर मैंने डिफरेंट सेगमेंट्स में ट्रेनिंग्स ली, जैसे हेयर एक्सटेंशंस भी होती हैं, इवन मेकओवर भी होता है। और इसके अलावा क्योंकि क्यूने दुबई हमारा जिस तरह पाकिस्तान में सेटअप है, इसी तरह से हम लोग वहाँ पे भी अकेडमीज़ को और सलोन्स को भी ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लुक आफ्टर करते हैं। सो मैं 3 ईयर्स तक क्यूने दुबई के साथ भी रह चुकी हूँ, वहाँ पर मैंने वर्क किया। इसके अलावा जो है मेरी बांग्लादेश आ चुकी हूँ और बहरीन से मैं स्पेशली जो है वो स्टाइलिंग की ट्रेनिंग के लिए गई थी। और स्टाइलिंग में क्योंकि बहुत ज़्यादा अरेबिक हेयर स्टाइलिंग्स को मेरा एक एम था कि मैंने वो लर्न की है और मैंने वहाँ पे जो है वो अरेबिक हेयर स्टाइलिंग की जो है वो ट्रेनिंग ली। और आज क्योंकि हमारा स्टाइलिंग का ही सेगमेंट है, सो हम स्टाइलिंग के सेगमेंट भी स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास है क्यूने स्टाइल रेंज और ये स्टाइल रेंज बेसिकली 8 कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स होती हैं। उन 8 कैटेगरी में से हमने आप लोगों की सहूलत के लिए, आप लोगों के लिए स्पेशली ऐसी प्रोडक्ट उन 8 कैटेगरीज में से चूज़ किए हैं जो कि आप हर एक स्टाइलिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको स्लीक इफेक्ट देना है, आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, उसके लिए एक ही प्रोडक्ट हम बताएंगे। हालांकि हमारे पास स्मूथ का अलग से ही उस कैटेगरी में 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से वॉल्यूम की भी एक पूरी रेंज है। वॉल्यूम में से हमने एक प्रोडक्ट आपके लिए चूज़ कर ली कि आपने वॉल्यूम देना हो तो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। देन हमारे पास ब्लो ड्राई के लिए प्रोडक्ट है, वॉल्यूम वाला ब्लो ड्राई चाहिए होगा, फिक्स है और रूट्स में बाउंस देने के लिए। सो वन बाय वन हम इसको प्रोडक्ट को जो है वो आपको मैं ब्रीफ करूँगी। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये 5 एसेंशियल, इनका हमने स्पेशली जो है 5 एसेंशियल के नाम से भी ये प्रोडक्ट्स हैं और ये एसेंशियल डैट मीन्स के आपके बहुत ज़रूरी हैं, ना सिर्फ सलोन बल्कि होम बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर अपने घर में भी ब्लो ड्राई करना है, घर में आयरन करनी है या घर में अपने वॉल्यूम देना, तो अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ईजी टू यूज़ हैं, ईजी टू अप्लाई हैं और इंस्टेंट इफेक्ट्स देती हैं। सो लेट स्टार्ट। तो जिस प्रोडक्ट से मैं स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ वो हमारी प्रोडक्ट है डी फ्रिज सीरम, जिसका होल फैक्टर 1 और शाइन फैक्टर 7 है। होल फैक्टर क्या होता है, शाइन फैक्टर क्या होता है? होल फैक्टर होता है कि आपके स्टाइल जो आपने एक लुक क्रिएट किया है वो कितना लास्ट करेगी, शाइन आपके बालों में शाइन कितनी देगी, उसकी वैल्यू होती है 1 से लेकर 10 तक, राइट? अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा घर होगा कि जहाँ पे लड़कियाँ हैं और उनके पास सीरम नहीं है, क्योंकि हर एक बंदे की ज़रूरत होती है। आप चाहते हैं कि जब भी आप हेयर को वॉश करें आपके हेयर शाइनी और स्मूथ होंगे। अब आप देखें कि सीरम बहुत सारे आपको मार्केट में नज़र आएंगे, लेकिन आपने कैसे राइट प्रोडक्ट जो है वो चूज़ की है, ऐसी प्रोडक्ट जो आपके बालों को ग्लॉस दे, ऑयली इफेक्ट ना दे। और क्योंकि हमारी स्टाइल की जितनी भी रेंज है, 8 कैटेगरी हैं, उसमें हर एक प्रोडक्ट के अंदर हीट प्रोटेक्टेंट लाजमी है। हीट प्रोटेक्टेंट यानी कि अगर आप कर्ल कर रहे हैं, आप ब्लो ड्राई कर रहे हैं या आप स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं, ये 3 हमारे पास पावर टूल्स होते हैं बालों में थर्मल जो हम इफेक्ट्स देते हैं, अपने बालों को शेप देते हैं। सो जैसे डिफरेंट सीरम है तो एज अ हीट प्रोटेक्टेंट भी वर्क करता है, ये आपके बालों को ग्लॉसी इफेक्ट देगा। अब इसका बेस्ट यूज़ किस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने हेयर को वॉश किया, टॉवल ड्राई हेयर पे भी लगा सकते हैं, आप इसको ड्राई हेयर पे भी लगा सकते हैं, 1 or 2 drops इस प्रोडक्ट के, जैसे 1, 2, इट डिपेंड्स आपके हेयर की लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है, इसके आपने 2 drops लिए हैं, इसको आप अपने हैंड्स पाम पे आप यू मल्सीफाई करेंगे एंड देन ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, हमेशा नीचे से एप्लीकेशन उसके स्टार्ट कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने एप्लीकेशन करते देखे वो डायरेक्ट यूज़ स्टार्ट करते हैं, इट मींस के आपने मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले ऑन द टॉप यूज़ कर लिए। कीप इन माइंड कि हमारा जो टॉप वाला हेयर होता है वो ऑलरेडी नरिश्ड होता है, उतना डैमेज, उतना रफ फ्रिजी नहीं होता जितना हमारा नीचे से होता है, तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट की नीचे ज़रूरत है। आप इस तरह से फिंगर्स की मदद से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए हर तरफ से और उसके बाद आपके पास मिनिमम अमाउंट रह जाती है, फिर आप इस तरीके से यूँ अप्लाई कीजिए, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, कभी भी टॉप पे मत लगाइए। जो लोग टॉप पे डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं वो लोग कहते हैं कि सीरम लगाया ऑयली इफेक्ट हो गया, तो इसका भी एक खास तरीका है यूज़ करने का। सो अगर आपने इसको ओपन छोड़ना है, रेगुलर यूज़ करते हैं तो ऐसे छोड़ दीजिए, अगर आपने इसके बाद स्ट्रेटनर का यूज़ करना है, स्मूथ इफेक्ट आएगा आपका स्ट्रेटनिंग करने के बाद आयरन में, जो कुछ ही घंटों के बाद आपके बाल फ्रिजी हो जाते हैं वो नहीं होंगे, फ्रिज वापस नहीं आएगा जब आपने डी फ्रिज सीरम पहले लगाया होगा और उसके बाद आयरन की होगी। ये हमारी फिनिश की लाइन में से है, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट हम पहले भी यूज़ कर सकते हैं और जैसे अगर आपने ब्लो ड्राई किया है या कर्ल्स बनाए हैं तो
आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा इसमें शाइनी इफेक्ट भी चाहिए, तब भी आप डीफ्यूज सीरम को लास्ट पे कर्ल्स में शाइन क्रिएट करने के लिए यू मल्टीफाई कर सकते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इंस्टेंट ग्लो आउट। इंस्टेंट ग्लो आउट नाम से भी जाहिर है कि इस प्रोडक्ट में इंस्टेंट इफेक्ट है ग्लो ड्राई करने का। अब ये ऐसे लोगों की वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बालों में वॉल्यूम भी पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हमारे हेयर के अंदर बॉडी इस तरह की हो कि बिल्कुल नेचुरल सी मूवमेंट हो, रूट्स में बॉडी हो, एंड्स में बॉडी हो। और जिस तरह से मेरे बालों में आप इफेक्ट देख रहे हैं ना, कि ग्लो ड्राई है और वॉल्यूम वाला है और इनवर्ट है लाइट सा, बॉडी भी है बालों के अंदर और मूवमेंट्स इस तरह से कि मैं हेयर को फील कर रही हूँ, तो मेरे बाल हर तरफ एंगल से सॉफ्ट है, हार्ड लुक नहीं है, मैं फिंगर्स मूव कर सकती हूँ, मैं उसको ब्लेंड कर सकती हूँ। तो ये इफेक्ट जो आपको मिलेगा इंस्टेंट ग्लो आउट प्रोडक्ट से मिलेगा। इसका होल्ड फैक्टर 3 and 7 है, 3 होल्ड है एंड 7 शाइन फैक्टर इस प्रोडक्ट का। यूज़ कैसे करना है, बहुत इजीली आप घर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हेयर को वॉश कीजिए, अच्छे तरीके से प्रेप कीजिए अपने हेयर को, पहले शैम्पू से, कंडीशनिंग से, और उसके बाद फिर अपने वेट हेयर पे सेक्शन बाय सेक्शन इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। स्प्रे फॉर्म में होगी, आप इसको लगाइए और उसके बाद फिर अपने सेक्शन बाय सेक्शन अपने बालों को इनवर्ड ब्लो ड्रायर यूज़ करना है। और ब्लो ड्रायर में जो ब्रश यूज़ करते हैं डेफिनेटली वो अकॉर्डिंग टू आपकी उसका स्टाइल से होता है कि आप स्मॉल यूज़ करेंगे, इनवर्ट स्मॉल सेक्शंस में आएगा, रूट्स में बॉडी देनी है तो आप बड़ा वाला ब्रश यूज़ करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद आप के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो है वो ब्लो ड्राई होता है, इनवर्ट के लिए बेस्ट रहता है और वॉल्यूम के लिए बेस्ट रहता है। नेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट है वॉल्यूम पाउडर। और ये प्रोडक्ट जो है आजकल हर एक बंदे का इशू है, रूट्स में बॉडी नहीं है, रूट्स में वॉल्यूम नहीं है, चाहे इवन यंग जनरेशन है या इवन ओल्ड एज में आप जाते हैं तो आपके रूट्स लाइट हो जाते हैं ड्यू टू सो मैनी रीजन्स। सो ये वाली प्रोडक्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं रूट्स में भी वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, और लेंथ एंड एंड्स में भी जब आप कर्ल्स बनाते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे कर्ल्स लूज ना हो और स्टे करें और उसके अंदर होल्ड रहे, तो ये प्रोडक्ट दोनों तरीके से यूज़ हो सकती है। इसका भी होल्ड फैक्टर है 7 और शाइन फैक्टर है 1, यानी कि ये मैट फिनिश हमारी प्रोडक्ट है। और वॉल्यूम पाउडर डेफिनेटली नाम से भी जाहिर है कि ये एक प्रोडक्ट फॉर्म में प्रोडक्ट है। और ये आपने कैसे यूज़ करनी है, सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा जैसे ओपन कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में भी पाउडर निकल आता होता है। और ये प्रोडक्ट जो है जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आपने बालों में ब्लो ड्राई करना है, आप ब्लो ड्राई कर चुके हैं, अब आप उसको फिनिश कर रहे होते हैं ना, डन कर रहे होते हैं, आपका क्लाइंट कहता है कि मेरे क्राउन बहुत लाइट है, यहाँ पर बॉडी नहीं आ रही है, बॉडी क्रिएट करते हैं आप लाइट सी बैकवॉमिंग करती हैं, एंड देन बैकवॉमिंग कर ली आपने और उसके बाद फिर आपने यूँ स्प्रिंकल करेंगे वॉल्यूम पाउडर को, ठीक है, यूँ आपने स्प्रिंकल किया, वाइट कलर का पाउडर होगा और ये फ़ौरन से हेयर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है और वहाँ पर एक स्टिफनेस क्रिएट कर देता है, वो स्टिफनेस आपके उस बैकवॉमिंग को होल्ड दे देगी, वो लास्ट करेगा। आप इवन बैकवॉमिंग नहीं भी करते, आप रूट्स में यूँ स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रिंकल करेंगे एंड देन सेक्शन बाय सेक्शन हर एक एंगल से आप इसको रूट्स में इस तरीके से यूज़ करेंगे, बॉडी सी आ जाएगी और वहाँ पे आपका जो है वो बैकवॉमिंग भी लास्ट करेगी। और इस तरह मैंने आपको कर्ल्स का बताया, आप पहले कर्ल्स क्रिएट करें और लेंथ एंड एंड्स पे भी आप उसको स्प्रिंकल करें और उसको छोड़ दें, वो डिजॉल्व हो जाएगा और वहाँ भी एक होल्ड आ जाएगा। तो दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। होम हमारी जितनी भी स्टाइल एक्सटेंशन की रेंज है, होम बेस्ड भी प्रोडक्ट यूज हो सकती हैं और सैलॉन में भी, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास क्यून स्टाइलिंग मूस, और ये हमारे प्रेप की प्रोडक्ट है। और प्रेप में डेफिनेटली आप जब भी कोई स्टाइल बनाने लगते हैं, आपने उससे पहले सोचा होता है कि मुझे अपडू क्रिएट करना है, मुझे ओपन हेयर स्टाइलिंग यूज़ करें, तो हर तरह की हेयर स्टाइलिंग के लिए आप प्रेप में से चूज़ करेंगे स्टाइलिंग मूस को, सॉफ्ट को या फोटे को। दोनों के होल्ड फैक्टर में डिफरेंस है। सॉफ्ट होल्ड फैक्टर जो हमारा सॉफ्ट मूस है उसका 4 and 4 है, 4 होल्ड फैक्टर एंड 4 शाइन फैक्टर। इसी तरह से जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाला मूस है उसका होल्ड फैक्टर 7 and 4 है। अब इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली मूस की फॉर्म में, इनके मूस निकलता है और आप इसको वेट हेयर पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले जब आप यूज़ करने लगे, बॉटल को अच्छे तरीके से शेक कीजिए एंड शेक करने के बाद फिर ये मूस निकलेगा इस तरीके से, और देन आप इस प्रोडक्ट को हैंड्स में यू ब्लेंड करते हुए आप अपने लेंथ एंड एंड्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऑल ओवर द हेयर सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एंड देन सेक्शन बाय सेक्शन पहले ब्लो ड्राई कीजिए। ब्लो ड्राई में आपको फील होगा कि बालों में बाउंसी इफेक्ट आया, बाउंस आ जाएगा, एंड देन अगर आपने ब्राइडल स्टाइलिंग करनी है स्टाइलिंग कर लें। आजकल क्योंकि स्टाइलिंग में हम बालों में वेव्स कर्ल्स ज़रूर क्रिएट करते हैं, तो इसको अप्लाई करने के बाद कर्लिंग रॉड के साथ आप कर्ल्स बनाएंगे, एंड देन फिर आपने अगर वैसे छोड़ना है तब आप कर सकते हैं, और अगर आपने ब्राइडल स्टाइलिंग करनी है तो भी की जा सकती है। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है वो प्रेप की लाइन में और वॉल्यूम भी देगी और
इसके मैनी यूजेस हैं. फ्लोराइड भी कर सकते हैं, कर्ल्स करिएट करने से पहले भी कर सकते हैं, और वैसे भी इवन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके नेचुरली बालों में वेव या कर्ल इफेक्ट होता है, वो वॉश करते हैं और मूस को अप्लाई करके यू क्रंच करके छोड़ देते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत वेट लुक वाले, शाइनिंग वाले उनके बालों में वेव और कर्ल इफेक्ट होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, और अनटिल नेक्स्ट वॉश तक वो इफेक्ट रहता भी है. तो आपने देखा इसको इस तरह से डिफरेंट यूज़ से पहले यूज़ किया जा सकता है. सो हमारी है 5 एसेंशियल में से लास्ट प्रोडक्ट फ्री स्टाइल स्प्रे, और ये प्रोडक्ट फिक्स हमारी लाइन में से, और इसका होल्ड फैक्टर 8 एंड शाइन फैक्टर 6 है. अब इस प्रोडक्ट को हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल जैसे आपने स्लीक इफेक्ट दिया था, स्लीक इफेक्ट में हमने डी फेस सीरम को यूज़ किया, डेफिनेटली आपने शाइनी और स्मूथनेस इफेक्ट दी उसमें इसका यूज़ नहीं होगा. एंड देन इंस्टेंट ब्लो आउट, जहाँ पर हमने वॉल्यूम वाला ब्लो ड्राई किया था, और वॉल्यूम ब्लो ड्राई के अंदर क्योंकि आप चाह रहे हैं कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, बालों में मूवमेंट्स रहें, तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया जाएगा. इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे हम जहाँ पे हम स्टाइलिंग मूस को यूज़ करते हैं प्रेप में, जब हमने कर्ल्स क्रिएट किए थे मूस को यूज़ किया गया था, जब हम एक लुक क्रिएट कर लेते हैं, चाहे ओपन हेयर में कर्ली हमने लुक क्रिएट की है, चाहे ब्राइट स्टाइलिंग में यूज़ करेंगे, तो हमारा यूज़ होगा फ्री स्टाइल स्प्रे. एंड देन वॉल्यूम पाउडर के अंदर भी, क्योंकि वॉल्यूम पाउडर में आपने रूट्स में यूज़ किया था, लेंथ एंड एंड्स में भी यूज़ किया था, तो उस लुक में भी सबसे एंड पे यूज़ किया जाएगा फ्री स्टाइल स्प्रे को. इसके अलावा कुछ मैं आपके साथ स्टूडियो टिप्स शेयर करना चाहूँगी स्प्रे को यूज़ करने की. बहुत सारे लोग स्प्रे को यूज़ करते हैं इस तरीके से यूज़ करने से आप जो आपने एक फाइनल क्योंकि लुक क्रिएट की होती है ना, एंड पे आप इसको यूज़ करते हैं, तो आपके जितने भी फ्लाईओवर हेयर होते हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, बेबी हेयर उड़ जाते हैं, नुमाया हो जाते हैं. इसको बेस्ट यूज़ करने का जो तरीका है, आप यूज़ करेंगे जैसे आप एक खास डिस्टेंस होगा, आप इस डिस्टेंस से यूज़ करेंगे, और क्योंकि स्पेसिफिकली हमने कर्ल्स में सारे बालों में करना है, जब हमने वैकोमिंग की थी उस हिस्से पे स्प्रे किया करना था, तो डेफिनेटली पार्ट्स होते हैं, तो आप यूज़ करेंगे यूं इस तरीके से आपके फ्लाईओवर जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे, आपके जो बेबी हेयर है वो नहीं उड़ेंगे. सो ये इस तरीके से इसको यूज़ करने का बेस्ट तरीका है. होपफुली कि आप इस ट्यूटोरियल से इन 5 एसेंशियल को यूज़ करने का तरीका समझ सकेंगे आप, क्योंकि कोई भी इसके बाद प्रोडक्ट नहीं रह जाती कि जो आपको कमी महसूस होगी कि मुझे इस स्टाइल में ये प्रोडक्ट चाहिए थी, क्योंकि ये हमने उन 8 कैटेगरी प्रोडक्ट में से ये 5 एसेंशियल उठाई हैं ताकि आप हर तरह की लुक क्रिएट कर सकें. स्लीक, वॉल्यूम, ब्लो ड्राई, अगेन वॉल्यूम रूट्स के लिए, और बाद में किसी भी लुक को, इन तीनों स्पेशली लुक्स को क्रिएट करने के बाद आप उसको फिक्स करेंगे तो आप करेंगे फ्री स्टाइल स्प्रे को. ओके जी, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेप के साथ, और प्रेप में जो हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे स्टाइलिंग मूस, और स्टाइलिंग मूस से पहले यानी कि जो आपकी डॉल हेड है, आपका क्लाइंट है, उसके हेयर पहले से फ्रेशली वॉश्ड हेयर होने चाहिए, और वॉश हमने किए हैं वाटर न्यूट्रिशन शैम्पू एंड कंडीशनर के साथ. अभी पूरे टोटली डैम्प हेयर है, डैम्प हेयर होना चाहिए ब्लो ड्राई से पहले, और क्योंकि अभी जो हमारी डॉल हेड है इसके बिल्कुल फ्लैट हेयर है, वॉल्यूम नहीं है, और हम क्योंकि क्रिएट करें टाइट कर्ल्स, और उन कर्ल्स में हम थ्रू आउट हेयर पे बॉडी क्रिएट करें, सो बॉडी क्रिएट करने से पहले जो है वो प्रिपरेशन ज़रूरी है. जैसे मैंने आपको पूरा एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हम पहले करते हैं प्रेप एंड देन हम शेप करते हैं फिर हम फिनिश करते हैं, तो स्टाइलिंग की प्रोडक्ट्स के यूज़ के साथ अभी हम ये सारे प्रोसेस हेयर के सेगमेंट में हम गुजरेंगे. हम पहले करें प्रेप, फिर हम शेप देंगे कर्ल्स में, और उसके बाद फिर हम उसको फिनिश करेंगे. सो सबसे पहले मूस यूज़ करने से पहले अच्छे तरीके से बॉटल को शेक कीजिए, और फिर थ्रू आउट हेयर हम इस तरीके से, तो हमने रूट्स में बॉडी देनी है, हम मूस अप्लाई करेंगे, दोनों साइडों पे, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना लार्ज साइज का ब्लो ड्राई ब्रश, उसके बाद लेंथ एंड एंड्स पे लगाने के लिए आप पूरा मूस जो होगा वो हम स्प्रेड कर देंगे हेयर के ऊपर. सो ये मूस जो है हीट प्रोटेक्शन भी देगा, और इसके अलावा हमारे रूट्स टू एंड हेयर के ऊपर बॉडी भी क्रिएट करेगा, और क्योंकि ये प्रेप भी हम कर रहे हैं, सब सेक्शन बाय सेक्शन हम करेंगे ब्लो ड्राई. बैक से हम ब्लो ड्राई स्टार्ट करेंगे. आप चाहें तो साथ साथ भी मूस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी क्योंकि टोटली डैम्प हेयर पे यूज़ किया है इसको, इसलिए मैंने पूरा थ्रू आउट एक ही दफ़ा अप्लाई कर दिया मूस. विदाउट मूस आप बालों के अंदर जो है वो वाली बॉडी नहीं ला सकेंगे कर्ल्स में, क्योंकि कर्ल्स में आपके पास बॉडी आएगी
लेंथन एंड्स पे, लेकिन लोडर जब आप करेंगे और मुंह सप्लाई करके करेंगे ये आपको रूट से एंड्स तक वॉल्यूम देगा। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। सो ब्लो ड्राई मैंने डन कर लिए और ब्लो ड्राई के बाद आप देखिए हेयर में वॉल्यूम कितना आ गया, बाल एकदम से स्मूथ भी हो गए और जो है वो आपके जितने भी शॉर्ट जैसे बेबी हेयर थे, फ्रिजी हेयर थे, वो पूरे सॉफ्ट लुक में आ चुके हैं। और वॉल्यूम, जैसे हमारा फोकस था वॉल्यूम देने का, हालांकि मैंने मूस यूज़ किया, लेकिन मूस यूज़ होने के बाद भी बालों के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, वॉल्यूम भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आपको एक स्टिफनेस जो फील होती है वो नहीं है कि आपको अपना हेयर जो वो हार्ड महसूस हो रहा है। सो ये हमारा प्रेप फिनिश हो गया। और ये जो डॉल हेड हम यूज़ कर रहे हैं, ये हम यूज़ कर रहे हैं सैलून डिज़ाइनर की डॉल हेड, जिन सैलून डिज़ाइनर डेफिनेटली नाम से भी जाहिर है कि एक सैलून डिज़ाइनिंग का प्लेटफॉर्म है। पूरे पाकिस्तान में सैलून डिज़ाइनर की ब्रांचेस हैं और जिसमें फर्नीचर, एसेसरीज, प्रोडक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपके अंडर वन रूफ, आपकी पूरी एक सैलून बनाने की जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाती है। आज हम सैलून डिज़ाइनर की 100% ह्यूमन हेयर वाली डॉल हेड यूज़ करें और इसके साथ सेपरेट स्टैंड होता है। और इसके अलावा हम सैलून डिज़ाइनर के ही कर्लिंग रॉड्स यूज़ करेंगे। आज मैं आपके सामने जो है यूज़ करूँगी 22 नंबर, इसके अलावा मेरे हाथ में 31 और 19 नंबर है। 19 नंबर से लेकर 31 नंबर तक कर्लिंग रॉड्स हैं, इसके इन बिटवीन डिफरेंट साइजेस हैं। अगर आपको बहुत ही स्मॉल साइज़ का कर्ल चाहिए होगा तो फिर आप 19 नंबर यूज़ करें। इवन 19 नंबर से भी स्मॉलर है इनके पास टाइटेनियम। ये हमारे पास जो वो सेरामिक कोटेड कर्लिंग रॉड होता है, क्यूटिकल को बहुत प्रॉपरली सील करता है, शाइन देता है, लॉक कर देता है और आपको पास एंड रिजल्ट जो आता है वो बहुत यूनिफॉर्मिटी में बड़ा ही एक स्मूथ इफेक्ट आता है। और इसके अंदर जो है वो टर्नर भी है। हम जब कर्ल कर रहे होते हैं, आप देखिएगा मुझे यूज़ करते हुए, मैं जस्ट इसको घुमाऊंगी और बाल अंदर टर्न होते जाएंगे। नॉर्मली ये होता है कि हम पूरे रॉड को जो होता है वो घुमा रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए साथ साथ जब आप इसको मूव भी कराएंगे तो वायर भी मूव होती रहेगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी। सो इट्स वेरी प्रोफेशनल, इट्स वेरी कम्फर्टेबल ड्यूरिंग यूजिंग। और ये 31 नंबर है। जब आपको ब्लो ड्राइंग का इफेक्ट चाहिए होता है तो फिर आप बड़ा साइज़ का रोलर जो है वो यूज़ करते हैं। तो आज मैं 22 नंबर साइज़ वाले कर्लर के साथ काम करूँगी क्योंकि मुझे प्रॉपरली एक कर्ल की लुक चाहिए मीडियम साइज़ की, क्योंकि हेयर लेंथ हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, इस वजह से मैं स्मॉलर नहीं यूज़ करूँगी। मैं चाह रही हूँ वॉल्यूम क्रिएट करना और वो हम मिड लेंथ टू एंड तक क्रिएट करेंगे। अभी सेक्शन बनाऊँगी और मैं कर्लर स्टार्ट कर दूँगी आज, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो वॉल्यूम पे फोकस है, हम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब मैंने ब्लो ड्राई भी किया था तो मैंने 90 के एंगल पे किया था, बिल्कुल स्ट्रेट, और रूट्स में फिर ब्रश लार्ज वाला यूज़ किया और उसको इन्वर्ट मैंने स्ट्रे देती रही हूँ ताकि हमारा रूट्स एंड वॉल्यूम आए। सो इसी तरह से कर्ल्स में भी जो मेरा फोकस है वो वॉल्यूम की तरफ है। तो आप देखें बिल्कुल लो पॉइंट पे नहीं, मैं इस टाइम जो है वो 60 और 90 के बिटवीन जो एंगल है मैं वो यूज़ करते हुए जो है वो वॉल्यूम क्रिएट करूँगी। और जिस मैंने आपको बताया था कर्लर को, ये देखिए मैं इस तरह से घुमाऊँगी और बाल इन्वर्ट होते जाएंगे। अब जो डायरेक्शन होगी मेरे कर्ल करने की, ये दो सेक्शंस मैंने बनाए हैं। ये वाला सेक्शन हम इस डायरेक्शन में इन्वर्ट करेंगे और ये वाला सेक्शन जब मैं करूँगी तो मैं इन्वर्ट इस डायरेक्शन में करूँगी। यानी कि दोनों को जो रुख होगा वो दोनों का आपस में ऑपोजिट होगा, ये इस तरफ रिटर्न होंगे, ये भी उसी के ऑपोजिट टर्न हो रहे होंगे। सो वो बड़ा खूबसूरत एक लुक क्रिएट करता है। हम क्योंकि कर्ल्स को फिक्स रखेंगे, हम उसको वेव्स की शक्ल में नहीं देंगे। जब आपको वेव्स की शक्ल में उसको टर्न करना होता है तो फिर आपको रॉड भी थोड़ा सा बड़ा यूज़ करना होता है। सो अभी देखिएगा मिड लेंथ जहाँ तक आप देना चाह रहे होंगे, आपने इस तरह से क्लिप ओपन किया, यहाँ पे इसको प्रेस करना है, क्लिप ओपन होगा, आप इसको मिड लेंथ में यूं रूट्स को थोड़ा सा रखेंगे और मैं इसी को घुमा रही हूँ इसी रोलर को, और उसके बाद फिर आप इसको जस्ट फ्यू सेकंड्स आप इसको रखेंगे और हीट फील करें क्योंकि मूस ऑलरेडी यूज़ हुआ है आपका। बहुत ही एकदम से सॉफ्ट सही, देखिए यूँ आपने टर्न किया तो ये देखिए आपके पास कर्ल क्रिएट हो जाएगा, ये स्मूथ होगा, कहीं से भी फ्लाईओवर हेयर भी नहीं आएंगे और एंड तक होगा। सो सेक्शन बाय सेक्शन हम इसी मेथड से कंटिन्यू करते जाएंगे। मैंने कर्ल्स कंप्लीट कर लिए और आप देख सकते हैं कितने प्रोमिनेंट से और कितने यूनिक से कर्ल्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। और लेंथ भी देखें, जो डॉल हेड की लेंथ थी वो भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं हुई है। और वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम कितना हमारे पास आया और एक एक कर्ल जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है। सो अभी सिर्फ और सिर्फ मूस लगा हुआ था और हमने कर्ल्स क्रिएट किए, अभी नेक्स्ट हम क्या क्या इसमें एडिशन कर सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल रूट्स में हमें बॉडी क्रिएट करनी है, हमें थोड़ा सा और बॉडी देनी है, उसमें क्या कर सकते हैं, लाइट से बैकॉमिंग करके, यानी कि हम इसी स्टाइल में स्टाइल की मजीद जो 5 एसेंशियल प्रोडक्ट में से 2 से 3 और प्रोडक्ट्स ऐड करके इस स्टाइल को मजीद जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। अभी देखिए रूट्स में जस्ट हम ये पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे और एक जो इस वॉल्यूम पाउडर से जो हमारे रूट्स में ग्रिप आती है वो आपका फ्लैट नहीं होगा रूट्स, और स्पेशली जिनके रूट्स ऑयली होते हैं। तो लाइट सी पहले आप वैक्यूमिंग कर लीजिए, जस्ट 1, 2, 3 इस तरीके से, और स्प्रिंकल कीजिए पाउडर, और उसके बाद फिर आप उसको छोड़ देंगे। जब आप छोड़ेंगे तो आपकी रूट्स के अंदर जो है वो बॉडी से आई होगी। ना सिर्फ रूट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे बाउंस है हमारे पास, ना सिर्फ रूट्स बल्कि हम लेंथ एंड एंड्स पे भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पाउडर स्प्रिंकल करते हुए हम इनकी जो स्टे है वो भी बढ़ा सकते हैं। जब लेंथ एंड्स पे भी करना होगा तो आप थ्रू आउट हेयर के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि हमने इन कर्ल्स को मिक्स नहीं करना, यानी कि मैंने फिंगर से इसको मिक्स नहीं करना, हमने एक प्रोमिनेंट कर्ल्स का ही ट्यूटोरियल रखा हुआ है। इस तरीके से आप लेंथ एंड एंड्स पे जो है वो पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे। एंड देन अगर किसी को शाइनी और सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए होंगे ब्लेंडेड, तो फिर आप डिफ्री सीरम को लगाएंगे लेंथ एंड एंड्स के ऊपर, एक दो ड्रॉप्स लें और लेंथ एंड एंड्स पे यूं मिक्स कर दें, क्योंकि हम लोग वो नहीं कर रहे, हम अब इसी को फिनिशिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम प्रेप, शेप एंड फिनिश। सो प्रेप मुंह से किया, शेप हमने दे दी कर्लिंग रॉड के साथ, और अब हम इसको अब फिक्स करेंगे फ्री स्टाइल स्प्रे से। और फ्री स्टाइल स्प्रे को यूज़ करने का जो प्रॉपर एक मेथड है, आप इसको एकदम से पूरा स्प्रे नहीं करेंगे, एक खास डिस्टेंस से करेंगे और चू चू चू, यानी कि आप इस तरीके से 1, 2, 3 आप ब्रेक देंगे। इससे क्या होगा कि आपके हेयर जो होंगे, जो बेबी हेयर भी होंगे, वो फ्लाई नहीं करेंगे, वो बल्कि स्मूथ हो जाएंगे। सो आप खास डिस्टेंस, यानी कि आप इस तरीके से स्प्रे करेंगे और आपका ये जो कर्ल्स हैं ये फिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे जो टॉप पे आपके जो बेबी हेयर होंगे स्मॉल स्मॉल से, आप इनको स्प्रे करते हुए फिंगर के साथ, इनके हैंड्स के साथ आप इसको स्मूथ कर देंगे, लाइट से ही आपने करना है। और इसके अलावा अगर जो जिनके बहुत ही फाइन से रूट्स होते हैं और वो कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं, थोड़ी देर के बाद ऑयल आ जाता है या बैठ जाते हैं, उनके लिए एक स्टूडियो टिप है कि वो हमारे क्यूनिक हेयर में प्रोडक्ट है क्लैरिफाइंग शैम्पू, जो कि प्रॉपर क्यूटिकल्स को ओपन भी करता है और स्टिफ भी करता है। सिर्फ और सिर्फ वो रूट्स के ऊपर उस शैम्पू से वॉश करें, लेंथ एंड एंड्स पे नॉर्मल अपना शैम्पू करें और कंडीशनर कर लें। रूट्स में उस शैम्पू से हेयर में जो स्टिफनेस आएगी, उनका रूट्स फ्लैट नहीं होगा, बालों में वॉल्यूम रहेगा। सो होपफुली इस ट्यूटोरियल की से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्टाइल की प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की, हमारा जो हमने कर्ल्स क्रिएट किए हैं वो भी आपको समझ आएंगे होंगे। थैंक यू सो मच।